रुपए किलो भाई ये बताओ क्या रुपए किलो। कुत्ता भी ले लिया हमने, खरगोश भी लेंगे, उसके पीछे इनको दौड़ाएंगे। तान तान दोनों कितने की बच्चे के साथ में बकरा ले रहा? मैं नहीं ले रहा बकरा, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। भाई साहब ये तोता परी किसकी है? और बाबा फार्मिंग चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह जो लाइव दिखाते हैं और हर बाज़ार जाके अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, उससे क्या होता है लोगों में जागरूकता होती है और माशाल्लाह सही रेट मालूम पड़ते हैं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद। पच्चीस हजार रुपए मिलेंगे बाबा। सुनो मेरी गल सुन, एक दो तीन चार पट्टों का बोलो बच्चे का सबका, एक दो तीन चार पाँच छः, चलो पांच का बोल दो बापू जी। इधर भी बड़ी मोटी काट है, लिस्सी पड़ती जाएगी बकरी। बापू जी पैसे ले लो, बढ़िया नोट मिल ले। आप बात कर रहे हैं बच्चे की? दो तीन चार पांच गाड़ी डब्बी पांच नाग हो गए, एक आ डब्बी हाँ डब्बी होगी, एक आ लोई होगी, अभी पाठी है ना, ये पाठ होगी लोई, हाँ ये पाठी है, ये पाठ होगी, ये होगी, ये भी हाँ, ये भी बारह पाठ छः हो गए, छः पाठ हाँ होता नहीं बाबे पाठ है ये ना, हाँ पाठ था कड़िया लाल ये रहा चुंगड़ जी है, बोल बाबे छः आ दो आ बटन आ दियो हाँ कितने आठ है नौ है जी। भी डब्बी भी इसमें नहीं नहीं डब्बी नहीं है वो जरा जैसे मेमने हो वो तीन तीन हजार वाले मेमने एक ही पटा है बस, इसमें छोटी बड़ी बाकी निक्की है जी। 20,000 रुपए दे दो बापू, चार चार हजार में हो गए जी। बच्चा हाँ यार छह माह बच्चा है, तीन पंजे का कर चलो आ चलने नहीं जी, बकरी देने भाई साहब तू मोल कर ले बोलना व्यापारी बन तू। बोलो जी क्या पैसे का देते तो पैसे दसो, पैर ऐसे मुड़ गया इसके आगे के, हाँ बता रहा हूँ कैल्शियम की वजह से ऐसे मुड़ गया पैर। क्या रुपए का वो तो दिख रहा खड़ा भाई दिख रहा पैसे एक ही बोलूँ मैं भी आपको 16,000 रुपए का बकरा ले जाऊंगा जाओ। नहीं मैं दस दस पैर देख लो बकरे के टेढ़े पैर, नहीं पैर टेढ़े हैं, मैं भी मान ही कर रहा हूँ तुम्हारा, इसके लिए तो बोल के क्या लगाए पैसे। कुत्ती आए कर बिला ला, कुत्ती बना ला उठे बना जब बंद भाई आवा ठीक है भाई। पैर ऐसे नहीं होंदे बकरा ले लेंदा मैं ना, वो दे देंगे इसको भी कुर्बानी उर्बानी वाले को, और क्या करेंगे भाई दांत देखे क्या करेंगे, ला इसको बुर करने को भी लाल करा हुआ। भाई देख लो 16,000 रुपए फड़ लो, चलो ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, नाराज मत हो नाराज।
महाराज महाराज भाई साहब, ये तोता परी किसके है? ये तोता परी क्या रुपए की जी? बताओ मैं दस दूँ। बकरा ना लिया 12,000 दे देंगे मेरे, देख लो 12 की ये फड़ो 5,000 तो बकरी है जी। ओए तो छोड़ दो, छोड़ दो ला फड़ाओ। नहीं जाए भाई, जाए जाए देख लो, तो मैं देख लो, अगर चलता तो पूछ लो। काले काले भाई कर दे कर, अभी सुनो इधर मुंडे जा कर आया वो तो भी पक, मैं भी मौन नहीं कर, मेरा भी पता नहीं है, छड्डा नहीं तो ले लो पैसे फड़ लो। बोल हुण देनी नहीं, साढ़े 12 दी फड़ाओ जी, फड़ाओ पैसे कोई नहीं, ठीक है बस हुण फड़ ला पैसे, तेरी सलाह फड़दा। 6,000 की बकरी ने पूछी, आ जाओ। क्या रुपए का मेमना? 20,000। वो दोनों के नहीं, अकेले के दस दे भाई। कल्ले गई 9,000 रुपए। क्या रुपए किलो भाई ये? बताओ क्या रुपए किलो? कुत्ता भी ले लिया हमने, खरगोश भी लेंगे, उसके पीछे इनको दौड़ाएंगे। तान तान पैसे दसो कितने देने हैं? 200 रुपए छे के छे के लो। लाहौर कितने? 200 दे। कितने दिया? ले 400 ले, ले 500 ले, ले मेरे पास आ जाइए, मैं दे दूंगा 40-40 रुपए को बच्चे। खरगोश खरगोश का क्या करोगे भाई साहब? ये मुझे गिफ्ट में देने हैं रियासत अली खान को, खान साहब को गिफ्ट देना है ये। अगर इसने 500 में ले लेता मेरे को 700 में कारोबार है, बिजनेस है, फायदा करना चाहिए आदमी को। सही है, आ जाए क्या मोल कर दे इसका? सरोही ने वाला भाई 45,000 जोड़ी दा कली दा दोनों दा 45,000 भाई। आगे ली कितने की देने? भाई आ कली कितने दिया? ये मेरा कितना बच्चा वा पर भाई से मंगा रहा हूं पहला बना लो दूसरा मारते फिर इधर हो जा थनी नहीं है इसके तो। दोनों कितने की बच्चे के साथ में? ये बच्चे नहीं है, वो बच्चे उधर 25 करा लेता। उस दिन बिक रहा था, बेचा नहीं बकरा तुमने, बहुत गलती करी। चार है ये? चार नहीं छे। ना देख ले चार है भाई। वाह दे ला दंड काट ले। चार काट ले। खा ले तो चार था। प्यारी आवाज तेरी। छह ही बना। अब तो छह ही है अब तो। चलो भाई छह है कितने? बोल रेड यार। जय जगह लकड़ी दर्शन है माइक चेक कर। कितने का? चाचा इधर आओ। कितने का है? एक ही दसो 30,000 रुपए का। 35 को वहीं लगाया था। कोई बात ना। वो मेरी मर्जी है। वो तेरी मर्जी। देख जमदा तो बोला। अरे वही 35 का डाल। बोल। चल उसकी जुबान पे फूल चढ़ा दिया। बोल 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 बोल। देखो। चक्कर। चल चल चल। आप हो? 50 का ले जा। ले जा पहले। कालू का भाई हूँ मैं, सोचा कहीं मेरे को 500 का लोड दे के। 26 का हो गया। 26। और रुक जा। मैंने बकरा ले रहा। बकरा ले रहा। मैंने ले रहा बकरा। नहीं लेना। नहीं लेना। नहीं लेना। नहीं लेना। कौन नंबर दे? कौन? 5,000 मिलेगा। कौन दे? अभी डाल देता। पैसे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे अकाउंट में डाल लेना, अभी ले लेना। मेरे पास कहाँ अकाउंट? दे मोबाइल स्कैनर दो निकाल के। पैसे खत्म हो गए। थोड़ी देर मिल जाएंगे। चलो बिलाल बकरा खोलो काउंटर तो ले लेंगे। पैसे का क्या?
चार ही है, चार है। और अरे नहीं, दो एक साइड से छोटे अभी दिखाओ, छोटे गेम लो यार, खोल के नहीं। दो चार छोटे ही है। अरे इधर दो क्यों खड़े हो, इधर देखना, दो खड़े इधर अभी छोटे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर बकरा है, टॉप क्वालिटी का जिसको बोलते हैं, झालर देख लो माशाल्लाह, जो पुरानी ब्रीड लाइन बोलते है ना, एकदम पुरानी ब्रीड लाइन का बकरा है। क्या बात, हाँ जी माशाल्लाह, जब और खुलेगा हमारे पास चला जाएगा, 48-49 हाइट हो जाएगी इसकी, चार दांत तहता, पांचवा दांत अभी कर रहा है, पैर हाथ मजबूत है माशाल्लाह, अभी 43-44 बकरा है, अभी 44 के आसपास है अभी भी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनने वाली चीज है, जिसको बोलते तारीफ। ये चीज जाने के बाद में बम्बई, पूना, सूरत, उधर ही जाके बनती है ये चीज, ये यहाँ पे नहीं बनेगी, वो जमीन के ऊपर जाने के बाद बनती है, कम से कम 160 किलो बकरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बाद में हो जाएगा, अभी तो है 90 किलो बकरा, लेकिन बाद में हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तो पेट पटका पड़ा बकरा खुलेगा, उसके बाद बताएगा रंग। छोले खाएगा और कुछ खाएगा? छोले पे नहीं बनता बकरा, जो पे बनता है बकरा, हाँ जी, छोले पे बकरा नहीं बनता, गेहूँ पे, खल पे, इस चीज के ऊपर बकरा बनता है, जो पे कभी बकरा नहीं बनता, इस पे चने पे नहीं बनता बकरा। चलो जी माशाल्लाह चीज देखो, क्या है, क्या मोल कर रहे हैं इसका? 25,000 दोनों का, एक का देना, कितने की? 14,000 की दे देगा, देख 14,000 की दे रहा हूँ तो बोल, हाँ 15 की, ये देखो माशाल्लाह मेरा बच्चा चार दांत है दोस्तों। भाई ने काफी तगड़ी क्वालिटी उड़ाई है और काफी नग पहले खरीद लिए हैं, मगर ये दो देखिए आपको दिखाते हैं। खान साहब बताएं जरा इनके बारे में, कैसे हैं ये? माशाल्लाह एक लंबर चीज है जिसको बोल देते झालर वाली, इसको तो गुलाबी बोल देते, गुलाबी है डब्बे कलर में माशाल्लाह जी, बहुत माशाल्लाह पंच है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बकरा है माशाल्लाह जी। इसको हैदराबादी क्रॉस भी कहा जाता है, तो हैदराबादी क्रॉसी जी, एक ब्रीड का बकरा है था पहले, काफी मेरे हिसाब से 14 से 15 साल हो गए जी, वो मट्टी के पास आया था बकरा, बहुत माशाल्लाह सुल्तान नाम था, बहुत बड़ा बकरा औरंगाबाद से आया था वो जी। आज के टाइम में उसकी कम से कम 50 लाख रुपए की कीमत है, उस टाइम पे वो बकरा 55,000 रुपए का आया था 15 साल पहले जी। ये वो लाइन चली आ रही है अभी तक यहाँ पे, क्या बात है जी, उस टाइम पे उसकी कम से कम हजारों बकरी क्रॉस हुई यहाँ पे आने के बाद में जी, वापिस बकरा गया था बम्बई को, बम्बई से आया था बकरा माशाल्लाह, तो ये उसी की लाइन के बच्चे है माशाल्लाह, बहुत वजन बकरे ने करा था, 180 किलो वजन मुंह से खा के था वो बकरे जी, जी क्या बात है जी, देखिए खूबसूरत क्वालिटी। और एक वो दिखाएं जी, बिलाल भाई ले आओ जरा सामने माशाल्लाह, जैसा देखते ना चेहरा, अगर ब्रीडिंग को बकरा रखना है तो इस तरीके का पंच होना चाहिए बकरे का, यही तरीके का सींग वगैरह माशाल्लाह, पैर हर चीज जी, सिर्फ कलर का कह सकते हैं आप, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग कुछ चेहरा कलर पसंद नहीं करते हैं जी, बाकी यूपी पंजाब माशाल्लाह हमारे सब पसंद करते हैं, तो इस तरीके के बच्चे बहुत माशाल्लाह बनते हैं, बहुत मोटा चेहरा बन जाएगा बच्चे का, झालर बहुत झालर छोड़ेगा बकरा माशाल्लाह, क्या बात, जितनी तारीफ करे उतनी कम है माशाल्लाह। उधर उधर ले, हाँ जी देख लो, लेने तो पैसे ले लो, पढ़ लो, 14,000 कान भी कटे पड़े दोनों, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कान भी कटे हुए, पैसे नहीं आ जाओ। फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों और बहनों को प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम आदाब। दोस्तों आज फिर से वीडियो शूट कर रहे हैं लहरा बेगा मंडी से, और आज नजीर भाई ने जो जो माल यहाँ से खरीदा है धड़ाधड़ टॉप क्वालिटी उड़ा दी है,
वो भी आपको दिखाएंगे, भाई से मिलवा देते हैं। खान साहब स्वागत है जी फार्मिंग बाबा चैनल। पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब सत श्री अकाल नमस्ते, और बाबा फार्मिंग चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह जो लाइव दिखाते हैं और हर बाज़ार जाके अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, उससे क्या होता है लोगों में जागरूकता होती है और माशाल्लाह सही रेट मालूम पड़ते हैं लोगों को। नहीं तो पहले कैसा लोगों को मालूम नहीं, लाइव वीडियो नहीं गिरती थी, क्या बीटल होता किसी को पता नहीं था। आज माशाल्लाह पूरा ऑल इंडिया छोड़ो बाहर देश में भी इसका बहुत क्रेज़ आ चुका बीटल का। किस लिए आ चुका? क्योंकि इसका जो लाइव सौदे चलते हैं और यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार पहुँचो और बाज़ार आके इंक्वायरी लो, घूमो फिरो, दो चार बाज़ार घूमो, जब सौदे करो जी। जब तक आप समंदर के बीच में नहीं उतरेंगे जब तक उस पानी का पता नहीं लगेगा। बाहर बैठ के कहने लगे इतना गहरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल जी। तो यहाँ आके देखो, यहाँ पहुँचो माशाल्लाह। बाकी देखो जिसको ज़रूरत है एक दो चार नग की, तो लाइफ आपको पता ही है इतनी दूर आगे फ़ायदा नहीं है। जैसे आदमी केरला में बैठा दो नग चाहिए, कर्नाटक में बैठा दो नग चाहिए, उसको पता है यहाँ तक पहुँचने में इतने की बकरी नहीं जितने का खर्चा हो जाएगा। खर्चा हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं और काफ़ी व्यापारी लोग बैठे हैं, तो उसकी इंक्वायरी करो व्यापारी की, और इंक्वायरी करने के बाद उसको पैसा लगाओ, पहले सौदा करो, पैसा लगाओ, आपको माल घर पहुँचे बैठ जाएगा। लेकिन मैं सबको नहीं कहूँगा कि एक साथ सबको, कुछ लोगों ने अपने नाम भी ख़राब कर लिया है, पैसे लगवाए हैं कि भाई हम आज ये बकरी डालते हैं। बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे कि भाई मेरे को आज दो महीने हो गए पैसे डाल के, चार महीने हो गए इन्होंने बकरी नहीं लगाई, बकरी लगाई थी, कभी बकरी बदल देते हैं। तो पहले से ही आदमी की परख करो, उसकी मालूमात करो चार व्यापारी से, चार काफ़ी लोग आज यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो आज जिसका भी ये पता उस पर लग ही जाता है जी। तो फिर उसमें सौदा करें और माशाल्लाह एक से एक नया चीज़ निकलती है पंजाब से। मेरे को करीब करीब 20-22 साल हो गए हैं, कितने 20-22 साल से मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें 50-51 हेड तक का बकरा मैं ले जा चुका है जी, और ऐसी ऐसी नस्ल ले जा चुका माशाल्लाह जो आज पंजाब में देखने को नहीं मिलती है। काफ़ी शानदार क्वालिटी में, सबसे पहले ये डब्बा बच्चा दिखाएं, देखिए भाई बताना जरा कैसा है ये। माशाल्लाह बहुत बढ़िया बकरा है, लेंथ का बकरा है, 100 किलो वजन बकरा है अभी माशाल्लाह। ब्रीड लाइन में डब्बे बच्चे मारेंगे, वो लोग बोल देते हैं ना कि भाई मैंने बकरी, लोग बकरी सस्ती ले बकरा महंगा ले जी। बकरी से क्या होता है पैसा वापस नहीं रिटर्न आता है भाई साहब जी, बकरी से नहीं निकलता है, बकरे से पैसा निकलता है जी। बकरा आप 2 लाख का ले लो, बकरी 20-20 हजार की डाल लो आप, इनके बच्चे जो बिकेंगे जी, ब्रीडर बच्चा अच्छी क्वालिटी का बच्चा रहे बकरा रहेगा तो उसका बच्चा महंगा ही बिकेगा जी। तो आपके पैसे वसूल ब्रीडर करेगा, बकरी नहीं करेगी जी। तो बकरी चाहे आप नॉर्मल लो लेकिन बकरा महंगे से महंगा लो जी। बिल्कुल, बकरा अच्छी क्वालिटी का लो, महंगे से महंगा लो, उससे क्या होता है बच्चे अच्छे निकलेंगे आपके। अगर मैं मिसाल देता हूँ, 1 लाख का बकरा आपने ले लिया, 20 बच्चे निकाल लिए, 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए आपके वसूल हो गए जी। और अगर ब्रीडर खराब हो गया, 3,000-3,000 का बच्चा बिकेगा तो आपका पैसा कहाँ से वसूल होगा भाई साहब जी। माशाल्लाह ये देखो आज ब्रीडर लिया है, आग तो खट्टी है लेकिन पुरानी ब्रीड लाइन का बच्चा है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जाके बच्चा बनेगा, कम से कम 44-45 हाइट तक सिल जाएगी बाद में इसकी जी। अभी तो खीरा बच्चा है, खीरा बच्चा देखिए भाई। तो इसीलिए बचपन में ही बच्चे को पहचान ले, ये सबसे बड़ी बात है जी माशाल्लाह। और आगे इसकी खुराक के ऊपर है, खुराक नहीं मिली तो ये इतना भी रह जाएगा। बिल्कुल, दिखाएं ये शेरा बकरा दिखाएं, ये देखिए जी। तो आज काफी चार दांत बच्चा है माशाल्लाह, बहुत जालर, बहुत नाकड़ा, ब्रीडिंग लाइन के लिए लोग बोलते थे ना शेरा कलर है, तो ये ब्लैक बच्चा भी मारेगा, इसकी निशानी ये है ब्लैक बच्चे मारने की जी। ये हर आदमी नहीं बताएंगे, पुराने जानकार बता सकते हैं जी। जो इसके मुंह पे काला पन है जी, माथे के ऊपर जो काला है जी, तो ये समझ लो पूरे बच्चे काले ही मारेगा। अगर इसके सर पर सफेद रहता तो बच्चा शेर है और चिट्टे मारता था जी। क्या होता है सही, तो ये ब्रीड लाइन का पता लगता है कि भाई ये बच्चे कौन से मारेगा। तो ये काली बकरी को क्रॉस करेंगे काले बच्चे मारेगा, शेरी बकरी को क्रॉस करेगा शेरे बच्चे मारेगा। क्या बात है भाई जी। तो ये देखिए भाई खूबसूरत पट भी बकरियां भी ली है भाई ने, और माशाल्लाह बहुत अच्छी डब्बे कलर की पटिया ली हुई है जी, शेरे कलर की पट है माशाल्लाह, 51 पट भी है, बहुत अच्छी है, और पूरा ऑल इंडिया माल पहुंचाया है जी। फर्स्ट टाइम मैंने दुबई को माल भेजा है, अभी 250 बकरे भेजे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह उनकी खरीदी अभी वापस चालू है जी। तो आज मैंने 2 बकरे लिए हैं, ये भी उधर ही जाने हैं, तो इंशाल्लाह इसके आगे तो अभी मेरा जो है तो दुबई का बहुत बड़ा टारगेट है, इंशाल्लाह कम से कम 1,000-1,200 बकरा मुझे पहुंचा देना है ये 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह। भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, रियासत भाई से भी बात करेंगे। खान साहब आपका भी स्वागत है जी। स्वागत है जी आपका भी। बताएं आज जैसे भाई ने बताया अभी अभी आज 27 तारीख है, दिन सोमवार है जी, 10-12 दिन के अंदर भाई की माशाल्लाह गाड़ी लोड होने वाली है। जिसने भी ऑर्डर देना है बेफिक्र होके ऑर्डर दे,
ठीक है जी, पर इंशाल्लाह भी मौका है, बहुत अच्छी खरीदारी जैसे आपके सामने हो रही है। जिसने भी मेरी गुजारिश है भाई की 10-12 दिन के अंदर गाड़ी लोड होनी है, भाई को बेफिक्र होकर ऑर्डर दें, ठीक है, ताकि माल सही तरीके से पहुंच जाएगा, उसके बाद चल पड़ेगा। रम कैसी चल रही है? शुक्रिया। तो दोस्तों भाई के नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सीधा संपर्क करें, अपनी जानकारी हासिल करें। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।